जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे स्थिर वैद्युतिकी के सेकंड चैप्टर को, जो हमारा सेकंड चैप्टर है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये शुरू करने से पहले हम पहले देखते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा है आवेश के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र, ये पढ़ा है। ठीक है, तो अभी तक जब जो हम आवेश को लेके चल रहे थे, वो हम आवेश को क्या मान के चल रहे थे, वो हम मान के चल रहे थे बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। हमने आवेश को क्या कंसिडर किया था, पॉइंट चार्ज। और ये भी ध्यान रखना आपको कि कूलाम का जो नियम है, जिससे हम बल ज्ञात करते हैं, फिर उसकी हेल्प से आगे हम विद्युत क्षेत्र भी निकालते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं, तो कूलाम का नियम किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आप ध्यान रखेंगे वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए वो लागू होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हमने ज्ञात किया था बिंदु आवेश मानकर। और इस स्केल तक या इस लेवल तक हम आवेश को क्वांटीकृत मान सकते हैं, मतलब हम आवेश को गिन सकते हैं, या कह दो एक इलेक्ट्रॉन गया, या दो इलेक्ट्रॉन गए, तीन इलेक्ट्रॉन गए, इस प्रकार हम गिन सकते हैं। इस लेवल पर हम आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत को भी लागू कर सकते हैं, है ना। लेकिन बड़े लेवल पर बात करें हम, जैसे मान लो ये कोई छड़ है, इसे आप छड़ मानिए, इस छड़ को मैंने एक कूलाम आवेश दिया, कितने कूलाम, एक कूलाम आवेश दिया। अब आप ये भी जानते हैं कि ये हमने निकाला, कैलकुलेट किया था कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ये भी हमने निकाला था, वो आया था 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैंने इसको एक कूलाम आवेश दिया है तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन आए, इतने। ठीक है, तो वहां पर हम बिंदु आवेश नहीं मानेंगे इसको, और वहां पर हम क्वांटमीकरण के सिद्धांत को भी लागू नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तो बिंदु आवेश था, गिन सकते थे कुछ इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से। ठीक है, और वहाँ पर हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी लगा देते, लेकिन बड़े लेवल पर जब आवेश की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर बिंदु आवेश का कंसेप्ट काम में नहीं आता, है ना। तो मैं कह रहा था कि इसको मैंने कितना, एक कूलाम आवेश दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, इतने। ठीक है, अब हम इसको बिंदु आवेश तो नहीं मानेंगे, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे इसको, हम ऐसा कहेंगे कि इस पर जो आवेश है समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, है ना, उनके बीच की दूरी बहुत कम है और हर आवेश समान दूरी पर क्या हो गया, वितरित हो गया, अपनी जगह पर एक बराबर डिस्टेंस पर रुक गए वो, है ना। तो ये मान लिया वो छड़ है, ठीक है, इसको एक कूलाम आवेश दिया तो ये मान लिया इस प्रकार ये आवेश वितरित हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करें, ऐसा निकाय जिसमें आवेशों के मध्य दूरी क्या हो, अल्प हो, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम, उस निकाय को हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम पर जो आवेश वितरित होगा उसे कहेंगे, हम कहेंगे सतत आवेश वितरण। क्लियर है, ठीक है। अब इसे हम तीन प्रकार से डिफाइन करते हैं, ठीक है, थ्री डायमेंशन से डिफाइन करते हैं, तीन अलग अलग डायमेंशन से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर वो आवेश किसी लाइन पर है, या समझो किसी तार पर है, है ना, किसी लाइन पर है, किसी तार पर है, तो उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर वो किसी पृष्ठ पर है, जैसे ये बोर्ड ही ले लो आप, ठीक है, इस पर अगर वितरित है आवेश उसके ऊपर, तब हम कहेंगे उसे पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर वो किसी आयतन में वितरित है, जैसे गोला हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, ठीक है, तो उस वस्तु के आयतन में वो वितरित है समान रूप से, उसे हम कहेंगे आयतन आवेश वितरण। क्लियर है, तो तीन प्रकार से होता है वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो ये तार है, ठीक है, या लाइन है, तो उसके ऊपर आवेश समान रूप से वितरित है, उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण।
उसके बाद एक एग्जांपल और है इसका, रिंग वलय, ठीक है, वो भी एक लाइन ही है। अब जरूरी नहीं है लाइन सीधी हो, ठीक है। इस प्रकार भी अगर ऐसा है, इसके ऊपर भी अगर वितरित है, तब भी हम यही कहेंगे कि ये भी क्या है, रेखीयांश वितरण है, ठीक है। तो रेखीयांश वितरण में ये जरूरी नहीं है कि लाइन सीधी हो, है ना, छड़ सीधी हो, छड़ टेढ़ी मेढ़ी हो, फिर भी वो है तो लाइन पर ही, है ना। तो वलय, वलय क्या है, एक रिंग है ना, उसको आप आवेश दे तो इस प्रकार वो आवेश वितरित हो जाएगा, है ना। तो वो भी कैसा है, लाइन पर ही है ना, रेखा पर ही एक तरह से, ठीक है। रेखा जरूरी नहीं है सीधी हो, मैंने बताया अभी, ठीक है। फिर आता है पृष्ठ आवेश वितरण, है ना। ये कोई शीट है, जैसे चादर समझ लीजिए, जैसे ये लोहे की शीट है ना, उसके ऊपर आवेश दें तो आवेश कहाँ आएगा, उसके पृष्ठ पर आएगा, है ना, उसके पृष्ठ पर आएगा। जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड के ऊपर अगर आवेश अपन दें तो ये सारा कहाँ फैल जाएगा, वो उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, ठीक है। उसे हम कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। और एग्जाम्पल है इसका चालक गोला, ठीक है, ये एक ठोस गोला है और कैसा है, चालक, है ना। तो किसी चालक गोले को या किसी चालक वस्तु को हम आवेश दें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा वो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है ना। अगर हमने यहाँ पर आवेश दिया तो वो सारा फैल कर कहाँ आ जाएगा, उसके पृष्ठ पर चला जाएगा, ठीक है। या कह दो चालक को हम आवेश दें तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, उसकी सरफेस पर रहेगा, उसके पृष्ठ पर रहेगा, ठीक है। तो मैंने पृष्ठ पर बना दिया और गोले को अंदर से डार्क करने के लिए मैंने लाइनें बना दी है। आप चाहे उसको पूरा डार्क कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये लगे कि ये गोला है, क्लियर है, ठीक है। फिर आता है आयतन आवेश वितरण, ठीक है, मतलब वो जो जो आवेश है, जो आवेश हम दे रहे हैं वो उसके आयतन में वितरित हो जाए अंदर, ठीक है, तब हम कहेंगे आयतन आवेश वितरण, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है अचालक गोला, ठीक है। अब यहाँ से आपको डिफरेंस पता चलेगा चालक में और अचालक में, ठीक है। चालक को जो भी आवेश देंगे वो कहाँ चला जाएगा, पृष्ठ पर, ठीक है, क्योंकि उसमें चालन हो सकता आवेश का। चालक का मतलब है कि वो आवेश का चालन करे, और अचालक का मतलब है जो आवेश को आवेश का चालन ना करे, उसको रोके, है ना। तो इसमें अलाउड है चालन करना, चलना अलाउड है, तो मैंने यहाँ दिया तभी वो पृष्ठ पर आ जाएगा, यहाँ दिया तभी वो पृष्ठ पर रहेगा, है ना। लेकिन अचालक में ऐसा नहीं होता, अचालक में आपने जो आवेश उसको जहाँ दिया है वो वहीं रहेगा, समझ गए, वो पृष्ठ पर नहीं आएगा, है ना। तो मैंने इसको आवेश दिया तो जहाँ दिया वो वहीं है, तो उसके पूरे आयतन में रहेगा वो। अगर मैं उसके अंदर भी आवेश दूँ तो वो बाहर नहीं आएगा, वो जहाँ दिया वहीं रहेगा, मतलब उसका आयतन में रहेगा, है ना। तो ये है उसका एग्जाम्पल अचालक गोला, क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे एक चीज़ डिफाइन करते हैं। ये अभी हमने बताया कि जो कूलाम का नियम है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ तो बिंदु आवेश नहीं है, बिंदु आवेश नहीं है, तो क्या करें। तो हम कूलाम के नियम को, या कह सकते हैं कूलाम के नियम से हम बल ज्ञात करना चाहते हैं, कूलाम के नियम से हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो अगर हम इसी चीज़ों पर, इन्हीं चीज़ों पर हम कंसेप्ट लगा दें सीधा बिंदु आवेश का, है ना। जैसे मान लो सपोज ये लाइन है, ये या तार है, इस पर आवेश है इस प्रकार से, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, पी बिंदु पर क्या निकालना है, आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसको आप बिंदु आवेश मानेंगे, Q1, Q2, Q3, Q4, इस प्रकार असंख्य है, बहुत सारे आवेश है ना। तो फिर इसकी आप दूरी लेंगे, इसके लिए आप दूरी लेंगे, इसके लिए भी डिस्टेंस निकालेंगे इस प्रकार से, तो आप देख पा रहे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है निकालना, है ना, ये गणनाएं बहुत मुश्किल है ये निकालने के लिए। तो उसको आसान कैसे किया जाए, ठीक है, ताकि हम उसके लिए विद्युत क्षेत्र निकाल लें, ठीक है। तो एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, वो टर्म है रेखीय आवेश घनत्व, या कह दो घनत्व, क्या बताते हैं हम, घनत्व, ठीक है। अब ये पूरी लाइन पर चार्ज है इस प्रकार से,
ठीक है, ये जैसे मान लिया ये 10 मीटर लंबा वायर है, कितने मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा वायर है, उस पर सब पूरे 10 मीटर पर आवेश वितरित है, ठीक है, तो हम 10 मीटर को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, हम करेंगे कि 1 मीटर पर एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, समझ में आ गया ना, है ना, हम पूरे को कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि 1 मीटर पर कितना आवेश है, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे मान लो इसकी लेंथ पूरी 10 मीटर है, ठीक है, और इसके ऊपर आवेश मान लिया वो है कितना, लेकिन तो 20 आवेश है उस पर, कितना कितना आवेश है, 20, है ना, तो 1 मीटर पर कितना आएगा, तो हम कहेंगे 10 मीटर पर आवेश है 20, तो 1 मीटर पर आवेश हो जाएगा 20 या 20 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, 2, तो पर मीटर कितना आवेश है, 2, क्लियर है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे क्या, घनत्व, क्या कहेंगे, घनत्व, जैसे हम निकालते हैं ना द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व वो होता है एम अपॉन वी, द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, क्योंकि द्रव्यमान कहाँ रहता है, उसका आयतन में रहता है, ठीक है, तो हम निकालते हैं द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान एम अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व, जो आवेश है वो कहाँ पर, लाइन पर है, ठीक है, उसे अपन डिफाइन करेंगे रेखीय आवेश घनत्व, और इसे कैसे लिखेंगे, लैम्ब्डा से, ठीक है। तो इससे हमें हमारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और उस आसान चीज़ों से हम क्या निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, तो हमें हेल्प मिलेगी, क्लियर है, ठीक। तो कैसे, अब यहाँ से मैंने निकाला है 10 मीटर में कितने आवेश है, 20, तो 1 मीटर में कितने होंगे, 2, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको डिफाइन कैसे करें, तो हम कहेंगे प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आप क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, है ना। टोटल पर इतना आवेश है, तो एकांक पर कितना हुआ ये, तो देखो आवेश बट्टा लेंथ, आवेश बट्टा लेंथ, है ना, चार्ज अपॉन लेंथ, उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां से फॉर्मूला निकलेगा लैम्ब्डा का, क्या होगा, लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, एल क्या है, एल इसकी लेंथ है, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, वलय की, वलय में लेंथ को क्या होती है, आप बता सकते हैं वलय में लेंथ क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहां देखो ये वलय है, क्या होगी इसकी लेंथ, क्योंकि ये भी रेखीय आवेश वितरण है, उसका एग्जांपल है, ठीक है। तो यदि इसकी रेडियस क्या हो, आर, क्या हो, रेडियस आर, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो आप देखो अगर इसको अपन यहाँ से काटें तो एक लाइन बन जाएगी ऐसे, है ना, अगर ये अपने इस वलय को यहाँ से काटें, ब्रेक करें, तो लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो लाइन का एग्जांपल है ये, रेखीय आवेश वितरण का ही एग्जांपल है, तार ही एक तरह से, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो हम बताते हैं सर्कमफेरेंस से, परिधि से, किससे, परिधि से, ये जो पूरी दूरी है वो किसे बताते हैं, परिधि से। तो परिधि क्या होती है, 2πr, तो इसको जब हमने काटा, इसको लंबा किया, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या जाएगी, 2πr। तो इसके इस केस में, वलय के केस में जो लैम्ब्डा हो जाएगा वो हो जाएगा q अपॉन 2πr, क्लियर है, ठीक है, आसान है बिल्कुल, ठीक। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, q आवेश है, चार्ज है, क्या होता है इसका मात्रक, कूलम्ब, नीचे लेंथ, लंबाई, क्या होता है इसका मात्रक, यूनिट मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। सेकंड है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो जैसे आवेश अभी लाइन पर था, यदि पृष्ठ पर आ जाए एक शीट, ठीक है, उस पर वितरित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण, उसी के लिए हमने डिफाइन करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो जैसे ये डिफाइन किया था, ये डिफाइन कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, सिंपल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, प्रति एकांक क्षेत्रफल,
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आप क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब यहां देखते हैं ए क्या है, एक एरिया है इसका, ए क्या है इसका एरिया परत का, या क्या दो इस चालक गोले का बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर मान लो ये आयताकार शीट है, आयताकार शीट है, तब इसका एरिया क्या होगा? तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर? ठीक, अब ये चालक गोला है, आपको पूछा गया है चालक गोला, और चालक गोले की जो त्रिज्या है वो आपको R दे रखी है, और ये आवेश वितरित है इसके ऊपर इस प्रकार से, Q आवेश है इसके ऊपर टोटल। ठीक है, आपको पूछा है इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो क्या निकालेंगे, क्या आएगा? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का, वो होता है 4πr² 4πr². क्लियर है? ठीक, तो सिग्मा इज इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन ए, और इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इसको इसकी कॉपी करना है, केवल चेंज क्या करना है, लंबाई की जगह आ जाएगा क्या पृष्ठ, और यहाँ आ जाएगा रेखीय की जगह आ जाएगा पृष्ठ, बस। ठीक है, अब इसका मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज आवेश है, क्या होता है उसका कूलम, एरिया क्या होता है इसका मात्रक, मीटर स्क्वायर, है ना, बिल्कुल आपको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व पर। ठीक है, यदि आवेश कहाँ वितरित हो, उसके आयतन में, तो उसे हम कहेंगे आयतन आवेश वितरण। ठीक है, और उसके लिए हमें टर्म इंट्रोड्यूस करनी है आयतन आवेश घनत्व, और उसे लिखेंगे हम किससे, रो से, उसका सिंबल क्या होगा, रो। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसी को आपको कॉपी करना है ना, एक वर्ड चेंज करना है, एक दो वर्ड चेंज करने हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आप क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, और से लिखे से लिखेंगे रो से, रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो वी क्या है, जहां पर आयतन है उस बॉडी का, उस निकाय का, उस सिस्टम का आयतन है। क्लियर है? ठीक, अब आपको बोला गया है कि इस अचालक गोले के लिए आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करो। ठीक है, डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां देखो ये वो चालक गोला है, इसके ऊपर आवेश वितरित है इसके आयतन में। ठीक है, इस प्रकार से इसकी जो रेडियस है वो है आर, और इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यू। क्लियर, इसके लिए आपको बताना है रो, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो रो इज इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या है इसका ऊपर, क्यू अपॉन वी, वी इसका आयतन, आयतन क्या होता है गोले का, यदि इसकी रेडियस आर हो तो हो जाएगा 4π r³। क्लियर है, तो ये आ जाएगा उसके लिए आयतन आवेश घनत्व। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट वही क्यू क्या है, चार्ज आवेश, उसकी यूनिट होती है कूलम, और आयतन की मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, या थ्री डायमेंशन होती है। ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है, तो ये है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने चर्चा की, सेकंड चैप्टर शुरू किया हमने। ठीक है, और फर्स्ट टॉपिक हमने लिया सतत आवेश वितरण, और उसके ये प्रकार है। ठीक है, अलग अलग टाइप है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।